हाय गाइस, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं सिने स्पीक। आज हमारे साथ जुड़े हैं मन सुंदर में, जो दादी का रोल निभाते हैं। तो दादी जी, पहले तो आपको 1000 एपिसोड्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और हमें पहले तो आपकी जर्नी बताइए मन सुंदर के साथ की, 1000 एपिसोड तक की। मन सुंदर के लिए 1000 एपिसोड्स कंप्लीट करने के लिए पहले तो पूरे मन सुंदर परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं। अब 1 साल के ऊपर हो गया है, मैंने मन सुंदर में मेरी एंट्री हुई थी करीब 600 एपिसोड्स के आसपास, और तो 400 एपिसोड्स प्लस हो गए हैं जो मेरे लिए है। लेकिन हाँ, मन सुंदर परिवार ने कंप्लीट किए हैं 1000 एपिसोड्स, और शो बहुत ही बढ़िया है, सबको पसंद आ रहा है। रुचिता और निहार भी सबको पसंद थे, और रूही और नहार भी सबको पसंद आ रहे हैं। रूही और नहार की जोड़ी को जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी एडिट्स वगैरह बनाया जा रहे, तो आप उनकी जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेगी? उनकी जोड़ी वाकई में है खूबसूरत। मैं चाहे दादी हूँ नहार की, बहुत ही नापसंद करती हूँ रूही को, ऑन स्क्रीन बहुत उसको परेशान करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो दर्शक के नजरिए से देखूँ तो रूही नहार की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपने मन सुंदर के पहले कौन कौन से सीरियल्स वगैरह में काम किया है, क्या हमारे ऑडियंस का बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे टीवी करते हुए तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं। इसके पहले मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, माइथोलॉजी से शुरुआत की थी। मेरा जो लास्ट शो, अगर आप मेजर शो जैसे ये शो 1 साल से कर रही हूँ, वैसे जो शो अगर जानना चाहो तो वो जी टीवी पे मैंने किया था, राजा बेटा, फिर राम प्यारे सिर्फ हमारे, बालिका वधू में थी, और मूवीज़ भी की है, तो काफी सारा है। आप मेरे यूट्यूब पे अगर रेशमा मर्चेंट चैनल पे जाएंगे तो उसमें आपको माय शोज में मेरे सारे काम की वीडियोस मिल जाएगी। जैसे कि आपने बताया कि आपने जो है बिग स्क्रीन के ऊपर भी काम किए थे, बिग स्क्रीन पे काम करने में और एक सीरियल के सेट पे काम करने में क्या डिफरेंस होता है, कितना चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? चैलेंजेस दोनों में बराबर ही है मैं बोलूंगी, बिकॉज काम काम होता है, एक आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है। फर्क इतना पड़ता है कि आप को टीवी घर घर पहुंचाता है, बड़े सिनेमा हॉल में जाना पड़ता है मूवीज़ देखने के लिए, हर कोई नहीं जाता, जो बहुत ही गलत है। सिनेमा को अगर आप सिनेमा हॉल में जाकर देखेंगे तभी तो आर्टिस्ट को और पूरी टीम को जो एक सिनेमा बनाती है उनको उसका मुआवजा मिलेगा। और टीवी हर घर में है तो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। काम करने के लिए चैलेंजेस ये होता है कि वहाँ स्टोरीज अलग होती है, और वो आपको पूरी चीजें तैयार करने के बाद आप फ्लोर पे जाते हो। मूवी के लिए सारी तैयारियां पहले की जाती है, फिर आप शूट स्टार्ट करते हो, और बाकी जो बाद में काम होते हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन के काम होते हैं। लेकिन एक सीरियल के लिए, स्पेशली डेली सोप के लिए जो पूरा महीना बन रहा है, उसके लिए आपको डेली एक एपिसोड बनाना है, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। मन सुंदर के पूरे स्टाफ के साथ आपका बॉन्ड कैसा है? जितना मैंने देखा आपका सबके साथ बॉन्ड काफी घुले मिले हो, तो लाइक सबसे ज्यादा किसके साथ सबसे शूट करने में, सीन करने में सबसे ज्यादा मजा आ जाता है? हर सीन का एक अपना फ्लेवर होता है, लेकिन हाँ, जो अग्नि और मेरे पर्सनल सीन्स होते हैं थोड़े तिकड़मबाजी वाले, वो करने में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि वो जैसे होते ना कि आप एक प्लेन पोटैटो चिप्स खा रहे हो और आप कुरकुरे करा रहे हो या नाचोस मसाले वाले खा रहे हो, उस तरह का हो जाता है। सीन सबके साथ अच्छे करती हूँ, बॉन्ड सबके साथ अच्छा है, जैसा आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा, वाकई में सब बहुत ही प्यार से दादी दादी कह के बुलाते हैं, और मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि उसमें उनका प्यार है, दादी कैरेक्टर है। और टीवी शोज में अक्सर यही होता है, आप अपने नाम से नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर के नाम से ही जाने जाते हो, और सब आपको आपके कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ अच्छी है कि सब मुझे मेरे नाम से, मेरे काम से और सीरत से भी प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी नवरात्रि आने वाली, तो आप नवरात्रि के लिए कितना एक्साइटेड हो, किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो इस साल आप नवरात्रि? बहुत ही बढ़िया सवाल है, मैं गुजराती हूँ तो नवरात्रि वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में हर त्योहार मुझे एक्साइट करता है, स्पेशल फील देता है नवरात्रि, एक स्पेशल फील देता है डेफिनेटली, बिकॉज इसकी एनर्जी कुछ अलग ही होती है। मीन गुजराती लाइक एवर रेडी टू डांस, तो गरबा खेलने का शौक बहुत है, पसंद आता है, पूरा तैयार होके गरबा खेलने जाने का मन करता है, बट जिम्मेदारी है, शो कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो इसमें से टाइम निकालना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिलता है, अगर आधा घंटा भी खेलने मिलता है ना, मैं जो कपड़े पहने हैं उसमें
सोसाइटी में हमारे जहाँ होता है वहां तो कम से कम थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। ये तो हो गया खेल का भाग, डांस का भाग, लेकिन पूजा पाठ, नवरात्रि के व्रत पूजा जो भी होती है वो भी उतने ही दिल से करती हूँ। और यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सबको कुशल मंगल रखे, सबसे पहले तो सबकी सेहत अच्छी रखे और सबके मन सुंदर रखे, ताकि हर जगह पर, हर पूरी दुनिया में बस प्यार पन पे और कोई भी तकलीफ ना हो किसी। हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेगा लास्ट मैसेज? सबको एज यूजुअल सबसे पहले तो यही कहूंगी कि रोज रात 8 बजे दंगल टीवी पे मन सुंदर जरूर देखिए, क्योंकि आप देखेंगे मन सुंदर तभी तो हम और एपिसोड्स कर पाएंगे अच्छे से आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमें भी मजा आता है काम करने के लिए। और आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्नेह और प्रेम बनाए रखिए। थैंक यू सो मच मैम, आपका इतना स्पेशल टाइम हमारे चैनल सिनेस्पिक्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।